हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लाइफ साइंस क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे सॉइल पॉल्यूशन के बारे में और जानने की कोशिश करेंगे कि सॉइल पॉल्यूशन के असबाब क्या हैं और इसके क्या असरात हैं। तो लफ्ज़ सॉइल पॉल्यूशन से क्लियर है कि जब मिट्टी का जो पॉल्यूशन होता है तो सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। अब मिट्टी का सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है? मिट्टी में जब नुकसानदेह जहरीले मादे जब शामिल हो जाते हैं जिससे मिट्टी की ज़रई कुवत कमज़ोर हो जाती है और मिट्टी की तबई कीमियाई और हयाती खासियत बदल जाती है तो उसे हम सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। तो सॉइल पॉल्यूशन क्या हुआ? सॉइल पॉल्यूशन का मतलब है कि मिट्टी में जब नुकसानदेह जहरीले मादे जब शामिल हो जाते हैं जिससे मिट्टी की तबई कीमियाई और हयाती खासियत बदल जाती है और जिसकी वजह से मिट्टी की जो है ज़रई कुवत या ज़रखेजी में कमी आ जाती है और जिसके बास जो है फसलों की पैदावार में भी जो है कमी आ जाती है तो उसे हम ये सॉइल पॉल्यूशन कहते हैं। अब सॉइल पॉल्यूशन के असबाब यहाँ हम बोर्ड पर लिख दिए हैं। तो सबसे पहला असबाब है पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स। पैथोजेनिक्स का मतलब क्या होता है? पैथोजेनिक्स का मतलब होता है वो ऑर्गेनिजम्स, वो जानदार जिसके वजह से बीमारियाँ पैदा होती हैं। अब हम और आप तो सभी जानते हैं कि बीमारियाँ किन किन कैसे ऑर्गेनिजम्स से फैलती है, पैदा होती है। आमतौर पर वायरस है, बैक्टीरिया है, प्रोटोजोआ है, तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स से जो है बीमारियां फैलती हैं और इन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। तो पैथोजेंस से ही जो है उसका एडजेक्टिव है पैथोजेनिक और ऑर्गेनिजम्स माने जानदार। तो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स में कौन कौन से हुआ? सबसे पहले हुआ इंटेस्टिनल वॉर्म्स। देखिए, खेत में गाँव में जो है आमतौर पर आप लोगों का मुशाहिदा भी है और तजर्बा भी है और जानते हैं कि सुबह सवेरे जो है देहात में जो है लोग जो हैं माने बैतुल खला के लिए पहुंच जाते हैं और मैदानों में जो है पखाना कर देते हैं वहाँ पर। अब अगर किसी शख्स को जो है बीमारी है, फर्ज कीजिए किसी को दस्त हो रहा है, पेचिस है, डायरिया हो गया है, तो इस तरह के लोग जब खेत में बैठ कर जब पखाना करते हैं तो जो डायरिया से जो पखाना निकलता है तो उसमें जो है बहुत सारे जरासीम्स मौजूद होते हैं। मसलन फर्ज कर लीजिए किसी को पेट में केचुआ है, ठीक है, इंटेस्टिनल वॉर्म्स माने हमारे इंटेस्टाइंस में जो केचुआ रहता है, वॉर्म्स रहता है, जैसे कि हुक वर्म हुआ, थ्रेड वर्म हुआ, टेप वर्म हुआ, ये सब जो है हमारे इंटेस्टाइन से मौजूद रहते हैं। अब जो है किसी के पखाना में ये जो है शामिल होकर जो है अगर मिट्टी में मिल गया तो क्या हो गया, मिट्टी जो है आलूदा हो जाएगी। उसी तरह से लीवर फ्लूक लार्वा है। लीवर फ्लूक लार्वा क्या है? ये मतलब इंसान के लीवर में पाया जाता है। ये भी डायरिया के वक्त जो है जब ये बाहर निकलता है तो ये भी मिट्टी में शामिल हो जाती है। उसी तरह से हेपेटाइटिस ए वायरस, ये भी डायरिया के जरिए जो है मिट्टी में शामिल हो जाता है। तो इस तरह के ये जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स हैं ये मिट्टी के जो है ये क्या कहते हैं, आलूदा कर देती है। दूसरा है हाउस होल्ड इंडस्ट्रियल वेस्टेज, माने घरेलू फजलात, घरेलू कूड़े करकट या सनती जो है फजलात हैं। तो घरों के तजारती और सनती फजलात या कूड़े करकट में बहुत से तहलील पजीर और गैर तहलील पजीर जो है मादे पाए जाते हैं और ये मादे जब मिट्टी में शामिल हो जाते हैं और फिर जब सड़ने गलने लगते हैं तो बेशुमार जो है माने जरासीम जो है मिट्टी में जो है फिर मिल जाते हैं। तो घरों के कूड़ा करकट, सनत के माने जो फजलात हैं ये मिट्टी में जब शामिल हो जाते हैं, जब सड़ने गलने लगते हैं तो उनसे बहुत सारे जरासीम पैदा होते हैं और वो जरासीम जो है मिट्टी में मिल जाते हैं। तीसरा है सबब जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स। केमिकल फर्टिलाइजर्स, किसान लोग खेतों में जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं मिट्टी की ज़रई कुवत को बढ़ाने के लिए ताकि जो है गल्ला ज़्यादा पैदा हो।
तो अनाज के पैदावार को बढ़ाने के लिए जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स दिया जाता है। अब इस केमिकल फर्टिलाइजर्स में मेनली जो है सॉल्ट्स होते हैं, जैसे अमोनियम सॉल्ट्स। अब अमोनियम सॉल्ट्स में अमोनियम फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट, नाइट्रेट, ठीक है, तो फॉस्फेट, सल्फेट, नाइट्रेट, ये जो है मिट्टी में जो है केमिकल फर्टिलाइजर्स के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इसका जब ओवरडोज हो जाता है, ओवरडोज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स की वजह से क्या होता है, फिर मिट्टी जो है आलूदा हो जाती है। इसी तरह से पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का भी इस्तेमाल किया जाता है आपका खेतों में। पेस्ट्स किसे कहते हैं कि जब अनाज जब माने तैयार होने लगता है तो फिर अनाज को फिर नुकसान पहुंचाने के लिए कुछ कीड़े मकोड़े जो है माने ये क्या कहता है अनाज में जो है लगना शुरू हो जाता है, जिससे ये कीड़े मकोड़े अनाज को तबाह बर्बाद कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए किसान लोग क्या करते हैं, पेस्टिसाइड्स और हर्बिसाइड्स का इस्तेमाल करते हैं, मसलन DDT, ऑल्डिविन, ठीक है, तो ये इसका भी इस्तेमाल किया जाता है। उसी तरह से हैं कुछ कीमियाई मादे हैं, मसलन मरकरी हुआ, पारा, जिसे पारा कहते हैं, स्ट्रोंटियम हुआ, उसी तरह से रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस, इसका भी जो है जब मिट्टी में इस्तेमाल होता है तो इससे भी जो क्या होता है सॉइल का पॉल्यूशन होता है। तो देखिए कि कीमियाई खाद, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड वगैरह में, ठीक है, माने ये पेस्टिसाइड हर्बिसाइड जैसे DDT, ऑल्डरेट, इसमें क्या होता है कुछ जहरीले गैर तहलील पजीर मादे पाए जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा कीमियाई मादे जो मिट्टी में शामिल होकर मिट्टी की आलूदगी पैदा करते हैं, जैसे मरकरी, स्ट्रोंटियम वगैरह तापकर, तो अच्छा उसी तरह से हर्बिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स हो गया, ये मादे मिट्टी में कीमियाई तामुल के नतीजे मुख्तलिफ जहरीले मरकबात पैदा करते हैं, जिससे मिट्टी की तबई कीमिया हयाती खसूसियात जो है बदल जाती है और मिट्टी की आलूदगी हो जाती है। तो कहने का मतलब हुआ कि मिट्टी को आलूदा करने वाले जो है ये पांच या इसे और भी जायद कुछ जो है असबाब हैं जो कि मिट्टी को आलूदा करते हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले कि खेतों में जब इंसान पखाना करता है या जानवर वगैरह जो पखाना कर देते हैं, तो पखाना में जो है बहुत सारे जो कीड़े ये हमने जरासीम्स मौजूद होते हैं जो मिट्टी मिल जाता है उसको तबाह बर्बाद कर देते हैं। घर के कूड़े करकट, इंडस्ट्रियल के सनत के जो है माने जो वेस्टेज हैं, माने फालतू चीज़ें जो है फजलात है वो मिट्टी में शामिल, उसके जो है माने ज़रई कुवत को जो है माने कमज़ोर कर देती है। उसी तरह फर्टिलाइजर्स में फॉस्फेट, सल्फेट हुआ, पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड्स, इसमें बहुत सारे तहलील पजीर गैर तहलील पजीर मादे जो मिट्टी में मिल जाते हैं और मिट्टी के जो है ज़रई कुवत को जो है कमज़ोर कर देते हैं, और केमिकल सब्सटेंसेस भी इसके अंदर में कभी कभी मिल जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि सॉइल पोल्यूशन इस तरह से होता है। अच्छा, सॉइल पोल्यूशन में एक और है एसिड रेन, एसिड रेन, इसको भी याद रखिएगा, एसिड रेन, ठीक है, एसिड रेन, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये जब बारिश के दिनों में जब एसिड रेन होता है तो सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड भी जो है मिट्टी में मिल जाते हैं, जिससे जो है मिट्टी की जो है माने फर्टिलिटी जो है या इसकी ज़रई कुवत जो है कमज़ोर हो जाती है। तो ये है सॉइल पोल्यूशन के कॉजेज के बारे में। अब हम पढ़ते हैं इसका इफ़ेक्ट्स क्या होता है। आइए अब हम लोग देखते हैं कि सॉइल पोल्यूशन का क्या इफ़ेक्ट्स है, मतलब मिट्टी जब आलूदा हो जाता है तो उसके नतीजे में क्या नुकसान होते हैं। तो सबसे पहले होता है, देखिए एक नंबर में, कि डिजीजेस इन ह्यूमन एंड एनिमल्स, माने आलूदा मिट्टी से या सॉइल पोल्यूशन की वजह से जो है इंसानों में और जानवरों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती हैं। अब वो कैसे होता है इसको समझिए। खेतों में जो है किसान काम करते हैं, अच्छा वहाँ पर औरतें भी हैं, मर्द भी हैं, बच्चे भी हैं। अब मिट्टी को तो हाथ से वो लोग टच करते हैं, तो मिट्टी को हाथ से टच करने से क्या होता है, चूँकि मिट्टी आलूदा हो गया है, मिट्टी में जो है जरासीम जो है पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर मौजूद हैं, इसलिए हाथों के मिट्टी से टच करने से बच्चे भी मैदान मैंने खेतों में खेलते हैं उसके भी हाथों में जो है मिट्टी जो है लग जाता है। अब वो लगा हुआ मिट्टी जो है जब नाखून में जो है अंदर दाखिल हो जाता है, और फिर अगर हम लोग घर पर आकर उसको साफ़ सुथरे से अगर ठीक से हाथ से नहीं धोएंगे तो फिर खाना खाते वक्त क्या होता है,
वही जो है जरासीम जो है हमारे जिस्म के अंदर दाखिल हो जाता है और फिर उससे बीमारियां होती हैं। उसी तरह से खेत में जो है किसान काम कर रहे हैं, औरत मजदूर काम कर रहे हैं, काम करते करते करने के दौरान फर्ज कर लीजिए एक हवा का ज़ोरदार झोंका आया या तूफानी आ गया, अब उसमें जो है मिट्टी के जो है ज़र्रात जो है उड़ने लगते हैं, अब वो कॉन्टेमिनेटेड सॉइल होता है, पॉल्यूटेड सॉइल होता है। अब इन्हेलेशन के जरिए जब सांस लेते हैं तो सांस लेते वक्त फिर मिट्टी के ज़र्रात जो है हमारे जिस्म में दाखिल होते हैं और साथ साथ उसके जो है आपका ये क्या कहा जाता है जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स भी वो हमारे जिस्म के अंदर में दाखिल हो जाते हैं। ठीक इसी तरह से ये बारिश के दिनों में जब आपका ये खेत जो है पानी से भर जाता है, अब वही पानी जो है फिर जो है आसपास के नदी में सॉरी तालाब में या पोखर में जाकर जब जमा हो जाता है तो उसमें जो पेस्टिसाइड हर्बिसाइड मिला होता है वो आकर पानी को जो क्या होता है मैंने पॉल्यूटेड कर देता है। अब उस पॉल्यूटेड वाटर में जानवर जो है अगर उस पॉल्यूटेड वाटर को अगर पानी पी लेते हैं तो जानवर भी बीमारियाँ हो जाएगी। इंसान अगर स्विमिंग कर रहा है, गुसल कर रहा है, नहा रहा है तो नहाते नहाते जो का पानी का दो घोंट तीन घोंट अगर पेट के अंदर चला गया तो फिर कॉन्टेमिनेटेड वाटर पेट के अंदर चला गया, उससे भी बीमारियाँ हो जाएगी। तो कहने का मतलब है कि सॉइल पॉल्यूशन की वजह से इंसानों में और जानवरों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ होती हैं। दूसरा इसका जो बैड इफ़ेक्ट्स है उसका नाम है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? मैग्नीफाई का मतलब होता है टू इंक्रीज इन साइज, किसी चीज़ के साइज़ को बड़ा कर देना, किसी छोटी चीज़ को बड़ा शक्ल में देखना। आप लोग मैग्नीफाइंग ग्लास देखें, मैग्नीफाइंग ग्लास से क्या होता है छोटी चीज़ बड़ी नज़र आती है, मैग्नीफाई करना। तो यहाँ पर मैग्नीफाई का मतलब क्या हुआ कि ये जो पेस्टिसाइड हर्बिसाइड जो हम लोग खेतों में डालते हैं ठीक है, तो उसमें बहुत सारे जो है क्या कहता है कि गैर तहलील पजीर मादे उसके अंदर मौजूद होते हैं, जैसे डी डी टी ठीक है, ये गैर तहलील पजीर मादा है। उसी तरह से ऑल्डरीन ये गैर तहलील पजीर मादा है। गैर तहलील पजीर मादा का मतलब क्या होता है, इसको मिसाल समझिए कि पानी में हम नमक को अगर मिलाएंगे तो नमक जो है पानी में डिजॉल्व हो जाता है, चीनी को पानी में मिलाएंगे तो चीनी जो है पानी में डिजॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर पानी में अगर हम बालू अगर डाल देंगे तो क्या होगा, बालू डिजॉल्व नहीं हो जाएगा, बालू उसी तरह से पड़ा रहेगा पानी के अंदर में, तो उसको हम बोलेंगे कि गैर तहलील पजीर मादा है। तो उसी तरह से DDT ऑलरेडी सब गैर तहलील पजीर मादा है। अब क्या होता है कि जब हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड्स को जब हम इस्तेमाल करते हैं खेतों में तो ये DDT ऑल्डिन जो मिट्टी में तो मिल ही जाते हैं, साथ साथ कभी क्या होता है जो वेजिटेबल्स हैं उसमें भी जो है ये DDT और ऑल्डिन का जो है इसका कंटेंट जो है इसके साथ मिल जाता है। बाद इस समय में तो मिल जाता है। तो अब इसमें क्या होता है कि उसका एक मैंने कॉन्टेंट जो है इसके अंदर चला आता है। अब होता क्या है कि इसको समझिए एक मिसाल से कि जैसे मान लीजिए कि बारिश में तालाब ये आपका मिट्टी जो है सैलाब ज़्यादा हो गया, खेत पानी से भर गया, अब भरा हुआ पानी जो है बहते बहते जो है तालाब में चला आया। अब जब तालाब में चला आया पोंड में चला आया तो पोंड में क्या आया, खेत का पानी जब पोंड में आया तो उसके साथ DDT भी चला आया, अब DDT क्या हुआ पूरे पानी में मिल गया, अब पूरा पानी क्या हुआ पॉल्यूटेड हो गया। अब पानी में जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उस DDT को क्या करेगा, माने पानी को जब जज्ब करेगा, उसका रूट के जरिए जब जज्ब करेगा एक्वेटिक प्लांट्स, तो प्लांट्स के जिस्म के अंदर में DDT पहुंच जाएगा। आप मान लीजिए कि ये आपका क्या कहता है कि इसमें ये तालाब में बहुत जो है आपका जो है मैंने क्या कहता है कि एक्वेटिक प्लांट्स हैं। अब हर एक्वेटिक पूरा एक्वेटिक सब एक्वेटिक प्लांट्स क्या हुआ DDT से क्या कॉन्टेमिनेटेड हो गया। अब उस एक्वेटिक प्लांट्स को मैंने आबी जो नबातात हैं, आबी जो पौधा है, एक्वेटिक प्लांट्स जो है ठीक है, वो जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं एक्वेटिक प्लांट्स को अब फर्ज कर लीजिए कोई कीड़े मकोड़े खाता है,
अब कीड़े मकोड़े जब बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स को खाएगा, पूरा एक्वेटिक प्लांट्स क्या हुआ है माने आपका कॉन्टेमिनेटेड हो गया है डीडीटी से। अब एक्वेटिक प्लांट्स को पानी के अंदर जो कीड़े जो माने कीड़े मकोड़े जो हैं इसको जब खाएंगे तो डीडीटी जो है उसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, उस कीड़े मकोड़े के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो उसके अंदर उसका जो है माने क्या होगा कॉन्टेंट बढ़ जाएगा। फिर उस आबी जो कीड़े मकोड़े हैं उसको जब छोटी मछलियाँ खाएंगी तो फिर जो है छोटी मछलियों के अंदर में जो है वो डीडीटी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाएगा। फिर उसी छोटी मछलियों को जब बड़ी बड़ी मछलियाँ जब खाएंगी तो उसके जिस्म के अंदर में क्या होगा कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ जाएगा, बात समझ रहे हैं? तो के बहुत सारा एक्वेटिक प्लांट्स है माने तालाब के अंदर में। अब तालाब के अंदर में जो एक्वेटिक प्लांट्स है उसको सब जो है कीड़े मकोड़े खा रहा है, एक कीड़ा मकोड़ा बहुत सारे प्लांट्स को खा रहा था। जब बहुत सारे एक्वेटिक प्लांट्स को खाएगा तो जाहिर से डीडीटी का कंटेंट उसके जिस्म के अंदर बढ़ जाएगा, ठीक है। अब उसी तरह से पूरे तालाब में सब जितने कीड़े मकोड़े हैं सबके जिस्म के अंदर जो डीडीटी पहुंच गया। अब छोटी मछलियाँ सब कीड़े मकोड़े को खाएगी, जब सब कीड़े मकोड़े के खाएगी तो क्या होगा कि फिर एक मछली के अंदर में बहुत सारा जो है माने कीड़े मकोड़ों का डीडीटी उसके अंदर ट्रांसफर हो जाएगा। अब उसी तरह से तालाब में बहुत बहुत छोटी छोटी मछलियाँ, अब चूंकि सब छोटी छोटी मछलियाँ सब कीड़े मकोड़े को खाई है इसलिए हर एक मछली में क्या हुआ डीडीटी का जो है कॉन्टेंट जो है उसके जिस्म में पहुंच गया है। अब एक बड़ी मछली जो है जब बहुत सारे छोटी छोटी मछलियों को खाएगी तो चूंकि सब छोटी मछलियों के अंदर में जो है डीडीटी का जो है कॉन्टेंट बढ़ा हुआ है, मिला हुआ इसको बॉडी में मौजूद है। अब एक बड़ी मछली जब सब बहुत सारी छोटी छोटी मछलियों को खाएंगी तब बहुत सारी छोटी छोटी मछलियों से कहा होना हर एक छोटी मछली का जो डीडीटी जो इसके जिस्म के अंदर में चला आएगा। इस तरह से क्या होता है कि जो पेस्टिसाइड्स है या आपका हर्बिसाइड्स है उसका कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ता चला जाता है। तो कहने का मतलब है कि जो फूड चेन बनता है, हम लोग फूड चेन जानते हैं कि फूड चेन में क्या होता है, प्रोड्यूसर होता है, प्रोड्यूसर उसके बाद होता है कंज्यूमर होता है। अब इसमें जो है ना प्राइमरी कंज्यूमर होता है, कुछ सेकेंडरी कंज्यूमर भी होता है कंज्यूमर, ठीक है, कंज्यूमर सेकेंडरी होता है सेकेंडरी। तो ये अब फूड चेन है, तो प्रोड्यूसर कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर प्राइमरी कंज्यूमर और सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर से जो है वो आपका जो डीडीटी जो प्रोड्यूसर में था मतलब एक्वेटिक प्लांट, यहाँ एक्वेटिक प्लांट जो है प्रोड्यूसर है, इसमें डीडीटी मौजूद है, ये डीडीटी चला आया प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर से चला है सेकेंडरी कंज्यूमर है। तो हर ट्रॉफिक लेवल में जो क्या होता है वो जो है डीडीटी का यानी पेस्टिसाइड्स का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करता चला जाता है, उसका इर्तिकाज बढ़ता चला जाता है। इसी को कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या होगा तब आप इसको समझ लीजिए कि इसका डेफिनेशन क्या है कि वो अमल जिसके तहत गैर तहलील पजीर मादे गजाई जंजीर के जरिया ये फूड चेन के जरिया जानदारों के जिस्म में दाखिल होते हैं, प्रोड्यूसर में वो मादा कहाँ से आया पानी के जरिए आया। अब प्रोड्यूसर से इस कंज्यूमर में वो मादा कहाँ से आया प्रोड्यूसर से इसमें इसिट आया है। तो हर गजाई मादे जो है गजाई जंजीर के जरिया क्या होता है हर ट्रॉफिक लेवल में उनका इर्तिकाज बढ़ता जाता है, इसे हम बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन कहते हैं। फिर से देख लीजिए वो अमल जिसके तहत गैर तहलील पजीर मादे गजाई जंजीर के जरिया जानदारों के जिस्म में दाखिल होते हैं, यहाँ दाखिल होते हैं और गजाई जंजीर के हर ट्रॉफिक लेवल में उनका इर्तिकाज बढ़ता जाता है, यहाँ भी बढ़ गया। तो इसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन में क्या हुआ, किस चीज़ का मैग्निफिकेशन हो रहा है,
पेस्टिसाइड्स का, ठीक है, नॉन बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस है DDT ऑल्ड्रेन, ठीक है, जो डिजॉल्व नहीं होने पाता है, इसी का मैग्निफिकेशन हो रहा है, मतलब इसी का कॉन्सेंट्रेशन, इसका अमाउंट, इसका क्वांटिटी जो है बढ़ता चला जा रहा है। कैसे बढ़ता चला जा रहा है कि करा मैंने खाने के जरिए से, खाने के जरिए से बढ़ता चला जा रहा है, कंज्यूमर खा रहा है प्रोड्यूसर को, प्राइमरी कंज्यूमर खा रहा है प्रोड्यूसर को, प्राइमरी कंज्यूमर को खा रहा है सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है। तो हर एक ट्रॉफिक लेवल में जो ये पेस्टिसाइड्स जो है, इसका जो क्वांटिटी जो है, अमाउंट जो है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता चला, मैग्नीफाई होता चला जा रहा है, इसी को कहते हैं हम बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। तो बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या हुआ, ये वो प्रोसेस है जिसके जरिए क्या होता है कि फूड चेन के जरिए हर जानदार में वो जो है मैंने गैर तहरीर पजीर मादे का कॉन्सेंट्रेशन जो है बढ़ता चला जाता है। तो ये था सोयल पोल्यूशन का इफेक्ट्स, बैड इफेक्ट्स। तो पहला था कि इंसानों में और जानवरों में मुख्तलिफ किस्म की बीमारियां होती है, और दूसरा इसका इफेक्ट्स है बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन, यानी एक फूड चेन में जो है हर एक ट्रॉफिक लेवल में ये जो गैर तहलील पजीर मादे हैं उसका इर्तिकाज बढ़ता चला जाता है। हम उम्मीद करते हैं ये लेसन आपको समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच।